ठीक है, इसमें सुनो दोस्तों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादा नगर हवेली दमन में बहुत सारी वैकेंसी आई हैं दोस्तों। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 26/24/11/2023 को रिलीज़ हुई है। वैकेंसी एडवर्टाइजिंग फॉर इनवाइटिंग है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये डिपार्टमेंट है दोस्तों। ये आपको है ना न्यू स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सिलवासा दादरा नगर हवेली में वैकेंसी है। हाई परफॉर्मेंस मैनेजर HPM की एक पोस्ट है, 1 लाख सैलरी रहेगी। कोच हेड कोच की एथलीट्स की एक पोस्ट है, 1 लाख सैलरी रहेगी। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट की एक पोस्ट है, 1 लाख सैलरी रहेगी। न्यूट्रिनिस्ट की एक पोस्ट है, 75,000 सैलरी रहेगी। इसके बाद में है ना दोस्तों, यंग प्रोफेशनल की एक पोस्ट है, 40,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों आपको है ना बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है, जो नीचे दिए फॉर्म भर के इंक्लोजर में 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखनी है, एक स्पेस में लगाने के लिए, एक अटैच करने के लिए। 15 डेज़ पहले आपको पहुँचानी है, लास्ट डे 11/12/2023 के बाद ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके बाद में आपको है ना ये दिया है, ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको ये एनवेलप में फॉर्म भरनी है, अप्लीकेशन फॉर द ये लिख करके पूरा लिखना है आपको। इसके बाद में है ना राइट साइड में आपका यहाँ पे नेम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड और कांटेक्ट नंबर लिखना है, ये बताया हुआ है आपको। यहाँ पे बाय रजिस्टर पोस्ट बाय बाय रजिस्टर पोस्ट बाय स्पीड पोस्ट ओनली भेजना है, और मेल भी कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको फॉर्म मिल जाएगी ईमेल साइट पे। सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके बाद में है ना दोस्तों, लिस्ट ऑफ इंक्लोजर आपको 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी है, फोटो कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सेल्फ अटेस्टेड लगानी है, फोटो कॉपीज ऑफ प्रूफ ऑफ वर्किंग इश्यू बाई करेंट ऑर्गेनाइजेशन को बतानी, कहाँ पे काम कर रहे हो, फोटो कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अचीवमेंट इश्यू बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को चाहिए, और कॉपी ऑफ आधार इश्यू बाई UIDAI होना चाहिए, आधार एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ बताना है, सेल्फ अटेस्टेड लगानी है, एप्लीकेशन चिप का ये आपको अटैच करनी है। ये साइट पे आपको मिल जाएगी, ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर है, जो क्वेरी आप डाउट पूछ सकते हैं, ये ईमेल पे आपको सब मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद में है ना आपको इस पे भेजने के लिए आपको है ना ये दिया हुआ है टू द डायरेक्टर, यहाँ पे भेजना है। तो दोस्तों यहाँ पे भेजने के लिए तो आपको आगे देखिए पहले फॉर्म भरना होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए ये सब दिया हुआ है, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर HPM का, जॉब के लिए जॉब रोल टाइटल रिपोर्ट टू एरिया ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन और रोल से डेट रिपोर्ट टू दिस पोजीशन आपको सब दिया है मेंशन में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, टर्म एंड कंडीशन आपको ये रीड करनी पड़ेगी, क्या क्या दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन यहाँ तक दिया हुआ है यहाँ तक दिया हुआ है, फिर आपको इसके बाद में है ना लिस्ट लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है, ये मेंशन पढ़ लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन भी दिया है, ये आपको रीडिंग करनी होगी। देखिए कॉन्फिडेंसली भी होना चाहिए आपके पास, और देखिए दूसरा क्या है आपकी हेड कोच एथलेटिक्स की जॉब डिसीजन में रोल टाइटल है, रिपोर्ट टू है, एरिया है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेशन क्या है, रोल्स है, रिपोर्ट टू दिस पोजीशन क्या रहेगी वो बताया हुआ है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरा रीड कर लीजिएगा, प्लानिंग प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेशन स्किल्स क्या होना चाहिए। इसके बाद में है ना दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप रीड कर लीजिएगा, ये और में दिया हुआ है, इनमें से कोई भी रहेगा तो भी चलेगा। इसके बाद में है ना डिज़ायर क्वालिफिकेशन भी मांगी हुई, ये भी होना चाहिए। टर्म एंड कंडीशन रीड कर लीजिए, आपको क्या क्या काम करनी होगी, कॉन्फिडेंसली होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में है ना जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल टाइटल में क्या दिया हुआ है, रिपोर्ट टू में ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन रोल्स द रिपोर्ट टू दिस पोजिशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रीड करनी है। फिर इसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है वो जब आपको देखनी है, टर्म एंड कंडीशन देखनी है, आपको क्या क्या काम करनी होगी। फिर इसके बाद में है ना यहाँ पे आपको रीड करना है, कॉन्फिडेंशियली रीड करनी है,
जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या काम कर रहे हो, रोल टाइटल, रिपोर्ट टू आर्या ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन, रोल्स द रिपोर्ट टू द दिस पोजीशन आपको देखनी है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको देखनी है, टर्म एंड कंडीशन भी आपको ही देखनी है, क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्फिडेंशियली दिया हुआ है क्या क्या हुआ है, क्या क्या है कॉन्फिडेंशियली में, जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल टाइटल, रोल रिपोर्ट टू एरियल ऑपरेशन लोकेशन और रोल्स दैट रिपोर्ट टू दिस पोजीशन, ये सब दिया है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, रीडिंग करना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिसोर्सेज दिया है, टर्म एंड कॉन्फिडेंट कंडीशन दिया हुआ है आपको ये देखनी पड़ेगी, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है काम करने के लिए, कॉन्फिडेंसली हो या नहीं ये सब देखना है। देखिए आपको नीचे सही सभी का है ना दोस्तों, आपको टिक मार्क करना है क्या चीज़ में आप फॉर्म भर रहे हो, इनमें से जो चीज़ में फॉर्म भर रहे हो टिक मार्क करनी है, उसके बाद में डिटेल्स भरनी है, आपका फुल नेम, फादर और मदर नेम, जेंडर क्या है वो, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, फोटो लगानी है, एजुकेशन डिटेल, स्टैंडर्ड 10th का आपको बतानी है पूरा, ये पूरा एजुकेशन जिस पोस्ट से भरे उस पोस्ट के हिसाब से एजुकेशन डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस में जिससे क्या क्या काम किया आपने किस कंपनी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट की में क्या आपने क्या थे वो सब चीज़ बतानी है आपको दोस्तों। इसके बाद में है ना ऑल द इंफॉर्मेशन मेंशन बाय मी इन द वो एप्लीकेशन इज टू और बेस ऑफ टू इज टू टू बेस ऑफ माई ले बिलीव नॉलेज एंड बिलीफ, ये सभी मेरा ट्रू है और बिलीफ है, ये आपको दोस्तों ये डिक्लेरेशन है, कुछ भी डिपेंड होगा तो लोग निकाल देंगे जिस डेट से भरे हो जिस प्लेस से और आपकी सिग्नेचर लिस्ट ऑफ ये आपको दी हुई है, इंक्लोजर है, आपको क्या क्या चीज़ अटैच करनी है ये सब चीज़ आपको बतानी है, टू कलर पासवर्ड, साइज फोटोग्राफ, वन पेस्ट इन द स्पेस इन द स्पेस एप्लीकेशन फॉर्म एंड वन अटैच फोटो कॉपीज ऑफ ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, फोटो कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे करेंट ऑर्गेनाइजेशन को लगाना है, फोटो कॉपी ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटी और अचीवमेंट अचीव बाई कंपिटेंट अथॉरिटी अथॉरिटी, कॉपी ऑफ आधार एस्यू बाई UIDAI बतानी है, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, ये सब अटैच करनी है जेरोक्स करके साइन करके दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे नीचे दिए गए भर के आपको दिए गए टाइम से पहले आपको बाई पोस्ट भरनी है, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों। आपको ये आपको फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो क्वेरी आप डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम से पहले आपको सब बाय पोस्ट बाय हैंड आपको भेजनी है, ये आपको यहाँ पे एड्रेस पे, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों। इसका कब का इंटरव्यू होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, वो सब मैं ही अपडेट देता हूँ दोस्तों, और इसके रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है वो भी मैं ही अपडेट देता हूँ, तो मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, थैंक यू।